आज ही दिन 1914 में मशहूर फिल्म निर्देशक, लेखक और पत्रकार ख्वाजा अहमद अब्बास का जन्म हुआ था। ख्वाजा अहमद बॉम्बे क्रॉनिकल में लंबे समय तक बतौर संवाददाता और फिल्म समीक्षक रहे। इनका स्तंभ द लास्ट पेज सबसे ज्यादा चलने वाला स्तंभों में गिना जाता है। नया संसार, नीचा नगर, आवारा, श्री 420, धरती के लाल, आज और कल, सात हिंदुस्तानी आदि इनकी नायाब रचनाएं हैं। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार, गालिब पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार के साथ कई अन्य सम्मानों से नवाजा गया। 1975 में आज एक दिन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों का पहला विश्व कप शुरू हुआ था। यह मैच भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ था। लंदन के लॉर्ड्स मैदान में हुए इस मैच में भारत की ओर से मदन लाल ने पहली गेंद फेंकी। इस मैच में सुनील गावस्कर के प्रदर्शन की बड़ी आलोचना हुई थी। गावस्कर ने भारत की पारी शुरू की और अंत तक खेले, लेकिन 60 ओवर में केवल 36 रन ही बना पाए। इंग्लैंड के 334 रन के विशाल स्कोर के जवाब में भारत सिर्फ 132 रन ही बना पाया। आज एक दिन 1979 में भारत ने अपना पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया, जिसका नाम भारतीय गणितज्ञ भास्कर के नाम पर भास्कर 1 रखा गया। 442 किलोग्राम के भास्कर 1 सैटेलाइट के जरिए पृथ्वी की कई तस्वीरें ली गईं, जिनका इस्तेमाल समुद्र से संबंधित शोध के लिए किया गया। विश्व का पहला कृत्रिम सैटेलाइट स्पुतनिक 1 रूस ने 1957 में लॉन्च किया था। आज एक दिन 1981 में बगदाद के परमाणु संयंत्र पर इसराइल ने हमला किया था। यह परमाणु संयंत्र बगदाद ने फ्रांस की मदद से बनाया था। बगदाद के संयंत्र पर हमला करने का आदेश इसराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री मेनाहेम बेगिन ने दिया था। 70 मेगावाट के इस संयंत्र का काम लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन अभी इसमें परमाणु ईंधन नहीं भरा गया था। इस वजह से संयंत्र तबाह होने के बावजूद परमाणु विकिरण का खतरा पैदा नहीं हुआ। और आज एक दिन 2002 में बासप्पा दानप्पा जत्थी का निधन हुआ था। इन्हें श्री फखरुद्दीन अली अहमद के निधन के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त किया गया था। जत्थी भारत के निर्वाचित राष्ट्रपति नहीं थे, इसलिए इन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ही संबोधित किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए जाने की व्यवस्था है। यदि किसी भी कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति पद का दावेदार होता है। फखरुद्दीन अली अहमद के निधन के समय बीडी जत्ती देश के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन थे।